तो बच्चों आप लोग कैसे हो। मैं जी प्रताप यादव आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्या होती है और कौन कौन सी साइज़ में अवेलेबल होती है। तो गाइस ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अभी हमारे पास चार साइज हैं, ये 100 ml, 250 ml, 1000 ml एंड 2000 ml। तो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का यूज़ क्या होता है लेबोरेटरी में, किसी भी लेबोरेटरी में आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का यूज़ कर सकते हो, गोल्ड लेबोरेटरी टेस्ट, सिल्वर लेबोरेटरी टेस्टिंग में। तो 100 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इसमें क्या 100 ml का सोल्यूशन बना सकते हो और 250 ml का जो फ्लास्क है उसमें 250 ml का सोल्यूशन बना सकते हो। और ये है 1000 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, इसका यूज़ है 1000 ml का सोल्यूशन बनाना होता है, 1 लीटर सोल्यूशन बनाना होता है तब यूज़ किया जाता है। और 2000 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज़ किया जाता है जब आपको सोल्यूशन की क्वांटिटी 2 लीटर चाहिए। तो 1 लीटर, 250 ml और 2000 लीटर का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। ये डिफरेंट क्वांटिटी के सोल्यूशन आपको बनाना होता है तो लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। पहला फ्लास्क देख रहे हैं सबसे इधर, सबसे छोटी फ्लास्क है ये है 100 ml की फ्लास्क। तो फिर इसके बाद ये है 250 ml के, ये देखिए ये है हमारे 100 ml के फ्लास्क, ये है 200 ml, ये है 250 ml की फ्लास्क और ये है 1000 ml की फ्लास्क। ये देख सकते हैं ये है 1000 ml की फ्लास्क, ये 1000 ml की फ्लास्क है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मार्किंग है, मार्किंग यहाँ तक सोल्यूशन अगर आप फिल करोगे तो दैट इज़ कॉल्ड 1 लीटर सोल्यूशन। यहाँ पे सब सारी फ्लास्क में मार्किंग है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 250 ml के फ्लास्क यहाँ पे मार्किंग है और 100 ml पे भी मार्किंग है, देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे मार्किंग है, लेवल तक आपको सोल्यूशन बनना होता है। फिर ये देखिए ये है 2000 ml का फ्लास्क, जब आपको सोल्यूशन बनाना होता है। हमें ये लेबोरेटरी में क्यों ज़रूरत पड़ते हैं, जिनको बोलते हैं क्या नाम है इनका, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का यूज करते हैं सोल्यूशन बनाने के लिए लेबोरेटरी में। ये देखिए 100 ml, 250 ml, 1000 ml और 2000 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का यूज करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए। अगर आपको किसी भी नॉन स्टैंड की सॉल्यूशन बनानी होती है तो उसकी रिक्वायर्ड होती है। नॉन स्टैंड क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन बनाना जिसकी स्टैंड आपको नॉन है, 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर, 5 मोलर, 6 मोलर, 7 मोलर, 10 मोलर। अगर आपको क्या है पोटेशियम थायोसाइनेट का सॉल्यूशन बनाना है 0.1 मोलर का, पोटेशियम थायोसाइनेट का मॉलिक्यूलर मास होता है 97.181। तो हम क्या है अगर 1 मोलर, 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाना है तो 9.7118 ग्राम वे करना है और उसको डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व करना है तो आपका 1 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। अगर आप अमोनियम थायोसाइनेट का सोल्यूशन बनाना है तो आपको 7.616 ग्राम डिजॉल्व करने पड़ेगा तो आपका ये 1 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। तो गाइस ये थी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, लेबोरेटरी में इसका काफ़ी यूज है। केमिस्ट्री लेबोरेटरी में आपका गोल्ड सिल्वर टेस्टिंग करते हैं, आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये सॉल्यूशन बनाने के लिए, एग्जैक्ट वॉल्यूम का सॉल्यूशन बनाने के लिए और स्टोरेज के काम में आता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अलावा केमिस्ट्री लैब चल नहीं सकती, ये सॉल्यूशन बनाने और इसको स्टोर करने के काम में आता है। तो ये चार कैटेगरी की अभी हमारे पास अवेलेबल है। ये 50 ml वीप का आता है, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 1000 ml, 2000 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का यूज सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने में, सॉल्यूशन को स्टोर करने के काम आता है। गाइस ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं केमिस्ट्री की लेबोरेटरी की सीरीज में वीडियो बनाता हूँ। तो ये था हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्या होती है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का क्या यूज होता है केमिस्ट्री लेबोरेटरी में। ये केमिस्ट्री लेबोरेटरी में सॉल्यूशन बनाने और स्टोरेज के काम में आता है। अगर आपको एग्जैक्ट नॉर्मलिटी या मोलरिटी का, किसी भी नॉर्मलिटी या मोलरिटी का सॉल्यूशन बनाना है तो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का यूज़ करते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री लेबोरेटरी में क्या है, क्लास 11th में सोडियम हाइड्रॉक्स टाइट्रेशन में होता है, टाइट्रेशन में ये फ्लास्क यूज होती है 100 ml की, 1000 ml, 2000 ml। ये क्या हम टाइट्रेशन में ज़रूरत पड़े, टाइट्रेशन में 11th क्लास में है, दो टाइट्रेशन है, टाइट्रेशन है HCl विथ सोडियम कार्बोनेट्स और ऑर्गेनिक वेसल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये दो टाइट्रेशन और क्लास
ट्वेल्थ में है KMnO4 वर्सेस फेरस अमोनियम सल्फेट KMnO4 वर्सेस ऑर्गेनिक एसिड। तो 11th में एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, 12th में रेडॉक्स टाइट्रेशन है। तो ये बेसिकली टाइट्रेशन का जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसको सॉल्यूशन बनाने के काम आता है। अगर एक वीडियो आपको अच्छी लगी तो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।